नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए देखिए हमने क्या लिया है। आटा ले ली हूँ, दूध का मलाई का बर्तन है जिससे कि पराठा मेरा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए पतीला में गया मलाई और साथ में नमक। ये बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। इसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा। और ये साथ में अजवाइन, मैंने रात में ही मेथी को बढ़िया से धो के कट करके रख ली थी। साथ में गया मिर्ची पाउडर जिससे कि मेथी का पानी बिल्कुल निकल जाए और आटा गूंथने में आसानी होनी, तुरंत का तुरंत करने से आटा गीला थोड़ा हो जाता है, आटा गूंथने में मुश्किल होती है। इसलिए हमने इसे रात में ही करके साफ करके छन्नी वाले बर्तन में डाल दी थी जिससे पानी सारा निकल जाए। और ये मैं आटे को आराम बढ़िया से मसल मसल के सबको एक साथ मिलाऊंगी और बढ़िया सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करूंगी। तो ये देखिए मैं आटा को गूंथ रही हूँ बढ़िया से। और मैं अक्सर दूध के पतीला में जिसमें मलाई वगैरह जमा रहता है मैं उसी में आटा गूंथ लेती हूँ, जिससे कि मेरा पराठा में मोयन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और पराठा सॉफ्ट बनता है। आवश्यकता अनुसार मैं पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा आटा को गूंथूंगी। तो ये देखिए इस सारे प्रोसेस से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरा आटा कितना स्मूथली गूंथा जा रहा है। सुबह के टिफिन हो या फिर शाम में हल्की भूख लगे तो इसे आराम से बना के खा सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मैं मेथी को बढ़िया से बारीक साफ करके और बारीक बारीक कट कर ली थी। और ये देखिए मेरा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब मैं पराठा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो पराठा बनाने के लिए हमने कढ़ाई में गैस पर तवा डाल दिया है और इधर मैं छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ। और ये देखिए इसको पेड़ा जैसा बना के बीच में मैंने इसमें घी लगा दिया, इसे मेरा पराठा फूला फूला बनेगा। जब तक मेरा तवा गर्म हो चुका है मैं पराठा को बेल लेती हूँ। तो ये देखिए कितना आराम से पराठा मेरा बेल रहा है, चकला में चिपक भी नहीं रहा है बेलन में। बहुत सारे पत्ते में ज़्यादा पानी रहने की वजह से आटा गूंथना भी मुश्किल हो जाता है और बेलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मेरा कितना आसानी से पराठा बन रहा है। तो ये मेरा पराठा बेल चुका है। मैं इसे तवा पर, तवा मेरा गर्म हो चुका है, मैंने इसे तवा पर डाल दी हूँ। जब एक तरफ से पक जाने के बाद मैं इसमें घी लगा रही हूँ, फिर इसको पलट के दूसरे तरफ से भी घी लगा दूँगी। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गैस का फ्लेम लो रखी हूँ ताकि मेरा पराठा कच्चा ना रहे, चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में हरा हरा पराठा। बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मेरा पराठा जब तक सेक रहा है एक, तब तक मैं दूसरा भी बेल के रेडी कर ली हूँ। ये देखिए गैस का फ्लेम लो है, धीरे धीरे आंच पर पराठा को पकाने का मजा ही कुछ और है, इससे स्वाद भी टेस्टी बनता है। ये देखिए मेरा फर्स्ट पराठा निकल चुका है, अब मैं दूसरा डाल दी हूँ पकने के लिए। इसी तरह मैं सारे पराठे को बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। तो ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा ये तीसरा पराठा भी गया तवा पे। जब तक मेरा पराठा बन रहा है तब तक मैं इधर उसी गर्म तवा पे हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल दी हूँ, साथ में सौंफ डाली हूँ, साथ में तेल डाली हूँ। ये मेरा गर्म हो जाए फिर मैं रायता की तैयारी में लगी हूँ। इधर जब तक ये मेरा छौंक रेडी हो रहा है तब तक मैं इसमें प्याज टमाटर और खीरा को बारीक बारीक कट करके रख लूँगी। पराठा के साथ अगर रायता हो जाए तो कम्प्लीट ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये देखिए मैं खीरा को कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरा तड़का भी पक चुका, जल चुका है। अब मैं इसे डाल दी दही में और प्याज को बारीक बारीक कट कर लूँगी।
और खीरा भी उसी तरह बारीक बारीक काट लूँगी। फिर मेरा रायता बनके तैयार हो चुका होगा। तो ये देखिए खीरा भी मेरा कट चुका है। अब मैं इसी तरह टमाटर को भी काट लूँगी। साथ में स्वादानुसार नमक डालूंगी। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, चूँकि हमने पराठा में भी नमक को डाला था, इसलिए रायता में थोड़ा नमक कम ही रहेगा। थोड़ा सा जाएगा इसमें मिर्ची पाउडर और ये भुना हुआ जीरा। रायता में अगर भुना हुआ जीरा मिल जाए तो उसकी स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जीरा को भून के और मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ डब्बे में। तो ये देखिए मेरा रायता भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं अपना सेहत से भरपूर ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए पराठा, ये रायता। पराठा के साथ रायता मिल जाए तो बात ही अलग है, लेकिन अगर बच्चे को देना है तो उसमें एक टोमेटो सॉस भी डालिए और साथ में पिकल। कंप्लीट ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थाली तैयार कर चुका है, हमने थाली को तैयार कर दी हूँ। ये देखिए मेरा रायता कितना गाढ़ा बना है और ये पराठा, पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए या फिर बड़ों को ब्रेकफास्ट में दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो।